हम जानेंगे कि प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या सीखते हैं और हम क्यों कहते हैं गेट योर फर्स्ट जॉब एंड पे योर 65% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। स्वागत है आप सभी का, मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। आज मैं आया हूं हमारे एक ब्रांच में जहां इंजीनियर्स का लगभग 55-57 की क्लास हो चुकी है और हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें इनको सीखने मिला। जो कंटेंट नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डाउनलोडिंग के लिए दिया हूं, ब्राउजर जाकर डाउनलोड कर सकते हो कि क्या सिविल गुरुजी में ये 60 दिनों में सिखाया जाता है और हम क्यों कहते हैं गेट योर फर्स्ट जॉब एंड पे योर 65% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या सीखते हैं और क्यों आपको सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया यहां से यहां पर कितने लोग यूट्यूब देख के हमारे पास पहुंचे। यूट्यूब देख के तो यूट्यूब में ऐसा क्या दिखा कि जो आपको लगा कि आपको आना चाहिए सिविल गुरुजी? सर बहुत सारी चीजें पता नहीं थी जो कॉलेज में, वो चीजें मेरे को इंस्टाग्राम से मिली। इंस्टाग्राम? अच्छा, इंस्टाग्राम से भाई साहब? यूट्यूब। हाँ, वो दोनों में से, तो फिर वो यहाँ आके पता चला। अब ये इंस्टाग्राम के लोग हो गए ना भाई, पहले हम यूट्यूब में थे, अब फेसबुक से इंस्टाग्राम में लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो क्या चीज है सबसे स्टार्टिंग में सिविल गुरुजी में क्या सिखाया जाता है? सर यहाँ शुरू में यूनिट कन्वर्जन, फिर लेआउट प्लान। क्यों जरूरी है ये लेआउट प्लान, क्या काम आएगा आपके जीवन पे? मैडम सर जैसे हम लोग कोई भी प्लॉट बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को हमको सबसे पहले लेआउट करना होगा। जैसे कि क्या? और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है इंडस्ट्री में, टोटल स्टेशन अवेलेबल है, उससे मार्किंग किया जा सकता है, लेकिन लेआउट के लिए आपको मैनुअल सिखाया जा रहा है? हम ग्राउंड पर ले जाते हैं, सिखाते हैं धागा पकड़ के। तो मैनुअल क्यों जरूरी है भाई, टोटल स्टेशन क्यों नहीं और मैनुअल क्यों? कुछ कई छोटे घर भी होते हैं जैसे कि उनको भी बनाना पड़ता है, उनके लिए टोटल स्टेशन नहीं मंगवा सकते ना, तो मैनुअली करना पड़ जाता है। एग्जैक्टली, कि छोटा जगह हो तो भाई मैनुअल, आप टीएस मंगाओगे खर्चा बैठ जाएगा, मैनुअल कर लो, चार धागे ही पकड़ना है। और जब बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा वहां पे भी टोटल स्टेशन पॉइंट तो दे देगा, लेकिन यदि एक एमएम का भी एरर हो गया ना तो कहानी खराब हो जाएगी आपकी, इसलिए मैनुअली चेक करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद और पूछते हैं, उसके बाद क्या सिखाया गया? सर उसके बाद एस्टिमेशन सिखाया गया। एस्टिमेशन क्या, एस्टिमेशन में क्या सीखे साहब? सर एस्टिमेशन में हम पूरी बिल्डिंग का कॉस्ट निकालना सीखे, मतलब उसका बजट कितना होगा ऐसा निकालना सीखे। कॉलेज में भी तो अपन पढ़े हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नाम की पूरी एक सब्जेक्ट है, उस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और जो यहाँ आपको एस्टिमेशन सिखाया गया, क्या डिफरेंस है उसमें? सर यहाँ रियलिटी मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं सर, वहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है कॉलेज में जो कि और प्रोबेबल कॉस्ट पता चल जाता है किसी भी बिल्डिंग का, कितना एस्टिमेशन है, फाइनल कॉस्ट रफ आइडिया हमको मिल जाएगा सर। एक और मैं चीज कनेक्ट करता हूँ, जो कॉस्टिंग एस्टिमेशन हमने पढ़ा स्कूल में कॉलेज में, शायद 5th या 7th सेमेस्टर में था, उसमें एक मेथड सिखाया गया था, सेंटर लाइन मेथड या शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड, याद है सबको? वहां पे एक एक ड्रॉइंग था, ब्रिक वर्क फाउंडेशन, इसी का ही एस्टिमेशन निकाला जाता था। एक ब्रिक फाउंडेशन है, स्टेप बाय स्टेप इसी का सेंटर लाइन से एस्टिमेशन निकाल दो, भी इसी का क्वांटिटी टेक ऑफ निकाल दो, उतना ही बस। क्या उतने में बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है क्या? 3660 तरीके के मटेरियल्स लगते हैं, फ्रॉम साइट क्लीनिंग टू की हैंडओवर, की हैंडओवर बोले तो ताला लगाने तक जितने मटेरियल लगते हैं उसका एक एक आइटम का क्वांटिटी टेक ऑफ करना है, तभी तो पूरे बिल्डिंग का बजट निकलेगा। उसके बाद 15 दिन के बाद क्या सीखते हैं अपन? सर उसके बाद सर्वेइंग सीखते हैं, उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल। कॉलेज में भी सर्वेइंग सीखे, वहाँ भी था Volume 1 Volume 2, तो क्या डिफरेंस है उस Volume 1 और Volume 2 और अपने 5-7 दिनों की सर्वेइंग में? ऐसा डिटेलिंग नहीं बताते सर कि पहले बबल सेट करो, पहले डायरेक्शन कैसे आगे पीछे करके बबल को सेंटर पे लेके आना है, कुछ डिटेलिंग नहीं बताया सर, वहाँ पे छोड़ दिया अपने हिसाब से, स्क्रू लेवल वो करते करते स्क्रू बाहर आ जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सर। उसके बाद सब चीज़ करने के बाद सर यहाँ पे पूरा फ्लाई लेवलिंग की और कट डेटा निकाल लिया आपने, सर्वे से मार्केट से आपने जाके सर्वे किया, वहाँ से लेवल्स आ गया, फिर क्या करते हैं उसका? सर उसका कैलकुलेशन करके सर कहाँ पे कटिंग कहाँ पे फिलिंग करना है वो अपने को डिटेल्स मिल जाएगा, उसके बाद अपन साइट पे जाके उसको एग्जीक्यूट करा सकते। तो भाई साहब कॉलेज में तो सर्विंग पढ़े लेकिन वहाँ हमारा एक लिमिटेशन था, कॉलेज में क्या लिमिटेशन था? वो रीडिंग दिख रहा है, रीडिंग को लिख ले भाई, बस रीडिंग लिखने तक को सर्विंग नहीं कहते। रीडिंग लिखने के बाद रीडिंग का करना क्या है? वो जो आपने बेंचमार्क आरएल BS, IS, FS निकाला है उसे कुछ तो वैल्यू होगा ना, कुछ तो काम करते होंगे उसके बाद का। उसके बाद का प्रोसेस है कि जिस लैंड का आपने सर्वे किया है, मतलब आपने उस लैंड को अभी जाके फोटो खींच के लाए हो बाय द नंबर्स ऑफ लेवल्स, कि आपने लेवल्स के रूप में वहाँ का पूरा फोटो खींच लिया, अब उस लेवल्स का आप नेचुरल स्लोप आइडेंटिफाई करोगे, किस साइड से आपका नेचुरल स्लोप फ्लो हो रहा है, कि जिससे कि आपके जो प्रोजेक्ट का ड्रेन लाइन है वो किधर जाएगा। अब समझो इसी को उल्टा कर दें, जो नेचुरल स्लोप है
सदियों से पानी बह रहा है, पानी ने अपना रास्ता खुद ही बनाया हुआ है नालों तक पहुंचने का। अब इस स्लोप को आप अपने टाउनशिप में उल्टा कर दो, आप जिधर स्लोप है अभी नेचुरल स्लोप, वो पानी को उठा के आपको अपोजिट साइड में फेंकना है। जिधर अभी नाला है उधर मान लेते हैं आपके टाउनशिप में अलाउ नहीं किया गया, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया कि हाँ आप पानी निकाल सकते हो, आपको अब ये पूरे टाउनशिप का पानी अपोजिट साइड में फेंकना है, तो आपको जो स्लोप एरिया है उसको डबल हाइट करना पड़ेगा। कितना कॉस्ट जाएगा? कितना कॉस्ट सिर्फ फिलिंग में जाएगा। तो उस फिलिंग के कॉस्ट को बचाने के लिए हम पहले कंटूर सर्वे करते हैं, जिससे कि हम पहचान पाए हमारे हमारे ग्राउंड का नेचुरल स्लोप कहाँ है। वही स्लोप आपको आगे चल के आपकी डिजाइनिंग में, आपकी प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में काम आएगा। इसके बाद सर्वेइंग के बाद क्या सीखते हैं अपन? सर बार बेंडिंग शेड्यूल सीखते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल क्यों जरूरत है भैया? बार बेंडिंग शेड्यूल सर VBS से हम लोग का जो RCC जितना भी रॉड यूज होगा वो सब का मतलब कि कितना मंगाना है, कितना क्या करना है, वो सब पता चलता है उससे। ये तो हमने उससे कैलकुलेशन से सीख लिया, और क्या वैल्यू क्रिएट करेगा बार बेंडिंग शेड्यूल भाई साहब? बार बेंडिंग से पता चलता है कि कॉस्ट कितना लगने वाला है, एक बिल्डिंग में कितना स्टील मतलब लगने वाला है, ये प्रॉपर पता चलता है हम लोग। ये भी निकाल सकते हैं हम कि कितना स्टील कंजप्शन होने वाला है। और क्या काम आएगा बार बेंडिंग शेड्यूल? कोई और बताना चाहेगा? हाँ प्लीज सर। वेस्टिंग, अगर बार बेंडिंग शेड्यूल में वेस्टिंग वगैरह बार का अपन कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना वेस्ट हो रहा है, उसको भी बिल्डिंग में अपन लगा सकते हैं। एग्जैक्टली, कि कैलकुलेशन तो सीखी जाएंगे ना यार, लोहा निकालना है, जोड़ना ही तो है लंबाई को। एक्चुअल में इसका यूज है कि अब 12 मीटर का स्टील है, कुछ ना कुछ वेस्टेज बचेगा लास्ट में, हर रॉड में बचेगा। क्या वो स्टील आपके थ्रू आउट बिल्डिंग कहीं और कटिंग लाइन यूज हो रहा है क्या? जैसे ये यूज हो जाए तभी तो आपका वैल्यू ना, जिसको हम बोलते हैं जीरो वेस्टेज अटेम्प्ट करना। अब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 20% स्टील लगता है, करीब 100 करोड़ रुपए का स्टील लगेगा, उसका यदि 1% भी वेस्ट हो गया तो 1 करोड़ रुपए का स्टील वेस्ट हो रहा है, समझो। तो हमें वो जितना कम कर सके उतनी हमारी वैल्यू है, जितना स्टील का वेस्टेज कम हो। फंडी सर्वे क्यों जरूरत है भैया? सर जब हम बिल्डिंग बनाते हैं कोई भी बिल्डिंग, तो उसमें कितना रेत लगेगा और सीमेंट वगैरह लगेगा उसका क्वांटिटी करके पता करते हैं। और क्यों क्वांटिटी सर्वे जरूरत है? सर क्वांटिटी सर्वे करने के लिए अपने को तो सबसे पहले मार्केट में उतर के मटेरियल्स का रेट लेना पड़ेगा। तो अपन जो अपन बिल्डिंग में अपना मटेरियल्स वगैरह मंगा रहे हैं, तो सर जो अपन मार्केट रेट लिए है उससे अपने पता चल जाएगा किस इस मटेरियल का इतना रेट है, तो उसके हिसाब से अपन एक ठो क्वांटिटी निकाल लेंगे कि अपने बिल्डिंग में कितना मटेरियल लगने वाला है, तो उससे कितने कॉस्ट का लगेगा, कितने कॉस्ट का लगने वाला है, तो उससे अपन क्वांटिटी सर्वे करके पूरी बिल्डिंग का। बहुत बढ़िया यार, कि क्वांटिटी सर्वे सिर्फ इसलिए नहीं निकालते हम कि कितना रेत गिट्टी ईटा पत्थर लगेगा, हम क्वांटिटी सर्वे इसलिए भी निकालते हैं कि हमारे जेब से कितना रुपये खर्चा होने वाला है बजट के लिए। कि एज अ क्वांटिटी सर्वेयर आप जॉब करोगे तो आपको कंपनी को बताना पड़ेगा इस महीने कितने रुपये का खर्चा है, और वो 10 दिन पहले ही बताना पड़ेगा, या हो सकता है एक महीना पहले ही हमको 4 महीने का प्रपोजल देना होगा। देख भाई, प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला है पहले महीने इतना काम कर लूँगा, दूसरे महीने इतना काम कर लूँगा, तीसरे महीने इतना काम कर लूँगा, चौथे महीने इतना काम कर लूँगा, तो इन 4 महीने तक काम करने के लिए आपको पहले महीने इतने रुपये का खर्चा लगेगा, ये मटेरियल परचेस करना है, दूसरे महीने इतने रुपये खर्चा लगेगा, ये मटेरियल परचेस करना है, क्योंकि मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा ना, बिल मिले चाहे ना मिले। तो कंपनी पहले से प्रिपेयर होकर बैठती है कि 4 महीने में 5 महीने में मेरे पास कितने रुपये खर्चा बोलने वाला है मेरा क्वांटिटी सर्वेयर, उसी उतना ही तो काम करेंगे। जितना PM ने कहा है कि हम भैया प्लिंथ लेवल कंप्लीट कर देंगे, तो प्लिंथ लेवल में कितना मटेरियल लगेगा, कहाँ से खरीदना है। अब कोई ऐसा मटेरियल है, हमको मार्बल लगाना है, राजस्थान से मंगाना है, टाइल लगाने का प्रोसेस है सितंबर में, टाइल लगाने का चाल रेडी हो जाएगा, सितंबर में टाइल लगाना हम चालू करेंगे। अब मैं 15 अगस्त को लिस्ट बना के दे रहा हूँ कि भैया मुझे मार्बल ले आओ राजस्थान वाला, तो फंस जाएगा, मटेरियल नहीं आ पाएगा टाइम पे। इसलिए पहले हम प्री प्लान करके चलें कि कितना मटेरियल लगेगा, मार्बल कब मंगाना है भैया, कितने दिन में पहुंचाएगा, क्या उसका लैगिंग पीरियड है, कितना दिन में पहुंचाएगा, वो सब मार्जिन हमको लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम सही टाइम पे मार्बल साइड में पहुंचेगा और हमारा फ्लो वर्क कंटिन्यू होता रहेगा। इसलिए भी क्वांटिटी सर्वे इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी सर्वे सिर्फ क्वांटिटी के लिए नहीं निकालते, एक प्रोडक्ट एक बॉल है, इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हो आप, इसे पिट्ठू खेल सकते हो आप, इसे गली क्रिकेट खेल सकते हो आप, इसको जो क्या बोलते हैं सर बॉल फेंक के खेलने वाला था ना, कैच खेल सकते हो, जितने टाइप के आइटम है आप सब कर सकते हो। तो उस प्रोडक्ट का जितने टाइप का स्पोक निकाल सकते हो, वो स्पोक निकाल के ही आप उसको सही यूज़ करोगे। और आप लोग भी, यदि आप भी सिविल गुरु जी का ट्रेनिंग मॉड्यूल ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है 9111001234, आपको
कॉल सुबह 10 से 6 के बीच ही करना है यार, ये 10 से 6 के बीच ही हमारी काउंसलिंग टीम अवेलेबल होती है। 6 बजे के बाद करोगे तो आपको नेक्स्ट डे कॉल बैक हो जाएगा, लेकिन उसमें समय लगता है क्योंकि इतने सारे मिस कॉल हो जाते हैं सब तक कॉल पहुंचाना, इसलिए टाइमिंग याद रखना 10 से 6 के बीच ही कॉल करना है। नीचे नंबर दिया हुआ है। इसके बाद क्या सीखते हैं अपन? क्यूएस के बाद ऑटो कैड। क्यों ऑटो कैड सर? अपनी जो पहले जो प्लानिंग होती थी वो मैनुअल होती थी ड्राइंग शीट पर, बट अभी उसको टाइम कंज्यूम होता था उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी टाइम को बचाने के लिए अभी सॉफ्टवेयर में काम किया जाता है। ऑटो कैड में प्लानिंग करते हैं हम, उसमें डिफरेंट टाइप्स के ड्राइंग्स होती हैं, लाइक प्लान होता है, उसके बाद सेक्शन ड्राइंग होती है, एलिवेशन ड्राइंग होती है, फिर इसमें लोकेशन प्लान होता है, फिर इसमें सबमिशन ड्राइंग बनाना सिखाया जाता है। तो क्या ये सब सिखा देते हैं आपको यहाँ पे? जी सर बिल्कुल। अरे क्या बात है, मेरे को ही नहीं बताते, सारा सिखा रहे हैं अपन। तो सबमिशन ड्राइंग कहाँ काम आएगा? सर सबमिशन ड्राइंग हम लोग को नगर निगम के परमिशन दिलाने में काम आ जाता है, और जैसे हम लोग को शो करना है क्लाइंट को कैसा ऐसा बनेगा उसमें काम आ जाता है। कितने दिन की क्लास होती है भैया ऑटो कैड की अपने यहाँ? 7 दिन की। 7 दिन में ऑटो कैड? कौन पहली बार यूज किया था भाई ऑटो कैड? 7 दिन में ऑटोकैड सीख गए? यस सर, मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा ही आ गया ऑटोकैड में सीख। और भाई 7 दिन में ऑटोकैड सीख गए? यस सर, मुझे ऑटोकैड यूज करने आ गया। भाई साहब बहुत ज़्यादा ही सीख गए, क्योंकि ऑटोकैड एक टूल है, एक बार समझ आना चाहिए वो कि लाइन कैसे खींचना है, तोड़ना कहाँ से है, मोड़ना कैसे है, कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे लिखना है, कैसे डायमेंशन चेक करना है, कैसे उसके फाइल को सेट करना है। 15-20 तो कमांड है इनके जो अच्छे हैं, वैसे तो उसमें अनगिनत कमांड है, लेकिन जो हमारे काम के हैं, जो कमांड हमको समझ आ गए उसी कमांड को मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, और जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। गाड़ी एक बार चलाओगे सोचोगे कि एक बार चला के मैं गाड़ी सीख गया, भाई नहीं होता ये। गाड़ी को आप जब जब हर एक छोटे से बहाने के लिए आप गाड़ी घर से निकालो कि दोस्त से मिलने जाना है, साबुन खरीदने जाना है, घर से सिर्फ रिश्तेदार को रोड से अंदर लेके जाना है, जितनी बार आप गाड़ी घर से निकालोगे उतनी जल्दी आप गाड़ी सीखोगे। सेम ऐसी सारे टूल्स हैं। उसके बाद क्या सीखते हैं अपन? क्या सीखते हैं मैडम फिर? बिलिंग। बिलिंग, बिलिंग में क्या सीखे हो? बिलिंग में मतलब जितने कॉस्ट आएगा हमारा टोटल बनाने में कॉस्ट आया वो पैसा देने के टाइम बिल बनाते हैं। कौन कौन से टाइप की बिलिंग सीख रहे हैं अपन? आइटम वाइज बिलिंग और एक स्लैब रेट बिलिंग। अभी क्या डिफरेंस है दोनों में? आज ही सीख रहे हैं ये सर। उसमें हम हर एक आइटम को उसके मतलब कि उसका मेजरमेंट करके उसका हम बिल निकालते हैं, और एक स्लैब रेट बिलिंग होता है, उसको हम लोग स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में उसको हम लोग करके फिर उसका क्लाइंट से हम लोग पैसा। तो दोनों में आसान कौन सा है, स्लैब रेट बिल आसान है या आइटम वाइज बिल आसान है? सॉरी स्लैब रेट बिल आसान है। क्यों आसान है स्लैब रेट बिल? क्यों आसान है स्लैब रेट बिल? क्यों आसान है भाई स्लैब रेट बिल? कौन बताएगा स्लैब रेट बिल क्यों आसान है? क्यों आसान है स्लैब रेट बिल? सर अपने को एरिया के हिसाब से एक स्क्वायर फीट एरिया का बिल निकाल लेना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा स्लैब का मतलब कि जितने बिल्डअप एरिया अपने जो बनाएंगे उसका अपन बिल निकाल लेंगे। और थोड़ा एग्जाम्पल से कोई और कोई एग्जाम्पल? सर इसमें मतलब एक दो बार में ही डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। और अच्छा पॉइंट है अभी, और स्लैब रेट बिल स्लैब टू स्लैब वेरी करता है, जैसे कि 1200 स्क्वायर जैसे एक एक फ्लोर का 2-4 बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि इस बिल्डिंग में कितना रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से लगेगा, उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका कॉस्ट कितना आ सकता है। शानदार यार, एक छोटे से एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं मैं इसको। आप कहीं ट्रिप में जाना है घूमने के लिए, आपने एक ट्रैवल एजेंट बुक कर रखा है, एक बार में उसको पूछ लिया भैया कितना रुपया खर्चा लगेगा बता, घर से निकलने से लेके घर वापसी तक मेरे को पूरा हिसाब बता दे, किस होटल में रुकवाएगा, कितना खाना खिलाएगा, कहाँ घुमाएगा, कौन सी गाड़ी में बैठाएगा, कितना रुपए मेरे को टोल टैक्स लगेगा, कितना रुपए मेरे को टिकट लगेगा, पूरा मेरे को ट्रिप का खर्चा एक बार में बता दे दो, तो मैं पहले से सेफ हो गया, इतना ही रुपये खर्चा होगा उतना ही रुपये लेके जाऊँगा, बीच बीच में उसको पैसा देते रहूँगा, जब जब जैसे जैसे स्टेज आता रहेगा मैं उसको पैसा देते रहूँगा। आसान हो गया मेरे लिए, पहले से प्री प्लान्ड हूँ। आइटम वाइज में फंस जाते हैं आदमी, कितना खर्चा होगा अभी नहीं पता, जितना दूर चलेंगे उतना नापेंगे क्या क्या हुआ भैया काम, कितना टोल टैक्स लग गया, डीजल कितना लग गया, तेल का खर्चा कितना हो गया भैया, होटल का कितना खर्चा, खाना कितने रुपए का मिलेगा, पूरा हिसाब करना पड़ेगा मेरे को दिन भर, हर बार पेमेंट करने का, फिर अगला दिन फिर से एक नया चैलेंज, तो हर दिन मेरे को मेहनत करना है, इसलिए टफ टास्क है, लेकिन एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होता है आइटम वाइज में। स्लैब रेट बिल में एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि हम थोड़ा लमसम लेके चलते हैं, ठीक है यार इतना काम कंप्लीट हो गया थोड़ा सा दे दो वाला मुद्दा है, लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट ही देना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट ही पेमेंट करेंगे जब पहले बार में पूरा निकाल चुके हैं अपन, तो देने का तरीका थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो पेमेंट का अमाउंट 19-20 हो सकता है लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आइटम वाइज बिल में बिल अमाउंट ही एक्यूरेसी के साथ दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ आया होगा कि हम 2 महीने में क्या सीखते हैं, इसके बाद का 3रे महीने का प्रोसेस जब 3रा महीना कर लेंगे तब समझ आएगा, क्योंकि अब हमने प्लेसमेंट का ना असिस्टेंस है ना प्लेसमेंट की कोई गारंटी है,
लेकिन प्लेसमेंट का प्रोसेस है, और उस प्लेसमेंट के प्रोसेस से हम ये गारंटी देते हैं कि आपको आपका 65% फीस प्लेसमेंट के बाद ही पे करना होगा। और जो हमने सीना तान के कहा है कि नवंबर दिसंबर जनवरी बैच में जो बच्चे हमसे ज्वाइन कर रहे हैं उसकी प्लेसमेंट की गारंटी के लिए हमने 3 महीने का एक्स्ट्रा प्रोसेस बनाया है। 3 महीने का प्रोसेस क्या है कि आपको तीसरा महीना एक्स्ट्रा एफर्ट करना है अपने स्किल्स को और बिल्ड करने पे, 4th महीना में आप कंपनियों में इंटरव्यू दिलाओगे उन्हीं कंपनियों में जिसका लिस्ट आपने हमें प्रोवाइड किया है। आपको ये मेहनत करना पड़ेगा भैया, हम नहीं करेंगे आपके लिए मेहनत, आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। 4th महीना उन कंपनियों के लिस्ट जो आपने हमको प्रोवाइड किया है हमारी प्लेसमेंट टीम उनसे डील करेगी, उनसे डिस्कस करेगी, उनकी जॉब वैकेंसी तक आपको पहुंचाएगी, और करीब करीब इंटरव्यू के बाद 15-20 दिन का प्रोसेस लगता है ज्वाइनिंग तक। इसलिए 3rd, 4th, 5th महीना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये 2 महीना आपकी ट्रेनिंग के लिए। यदि आप हार्ड 60-डे चैलेंज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हूं 9111001234 कॉल करें और अपना रजिस्ट्रेशन बुक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं पूरे जोश के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।